आज हम चैप्टर ले रहे हैं स्टडी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और उसमें हम वर्नियर कैलिपर के बारे में जानेंगे। वर्नियर कैलिपर एक ऐसा हमारा मापने का इंस्ट्रूमेंट है जिसको कि आज से लगभग 400 वर्ष पहले, 400 वर्ष पहले जो है वो फ्रांस के एक मैथमेटिशियन जिनका कि नाम वर्नियर था, उनके ही नाम से उन्होंने इसकी खोज की थी, उन्होंने इसके ऊपर कार्य किया और इसी कारण इसका नाम जो है वर्नियर रखा गया। इसको वर्नियर कैलिपर कहते हैं और इसको इसके द्वारा जो है हम बहुत ही कम से कम पैमाइश के अंदर पैमाइश कर सकते हैं, और जिसका कि लिस्ट काउंट 0.02 mm काउंट किया जाता है। हैं? तो इस प्रकार से इसके अंदर जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं, तो ये जो है ये मेन स्केल है जिसके अंदर ये जो आपकी डिवाइडिंग है ये 0 से लेकर के ये mm के अंदर दिखाई गई है। 0 से 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm और ऐसे ही 10 mm। इस प्रकार से ये यहाँ तक की जो काउंटिंग है वो 10 mm, और इसी प्रकार इसके बाद फिर काउंटिंग किया तो ये जो बड़ी लाइन है ये 15 mm, और इसके बाद ऐसे ही इसको अगर हम आगे बढ़ते जाते हैं तो ये 20 mm, फिर 30 mm, 40, 50, 60 और 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 और 150, अर्थात इसकी जो कैपेसिटी है 150 mm तक हम किसी भी जॉब का साइज जो है वो चेक कर सकते हैं। तो ये जो थी इसकी मेन स्केल है जिसको आप देख रहे हैं, और दूसरा है ये इसका, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल, या इसको हम इंडिकेटर स्केल भी कहते हैं, वर्नियर स्केल भी कह सकते हैं और इंडिकेटर स्केल भी कहते हैं। और इसके अंदर जो जीरो है, जीरो से जो अगला इंडेक्सिंग है, अगली जो स्केल की पॉइंट है वो 0.02 mm इसकी वैल्यू काउंट की जाती है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है जब हम इसका साइज चेक करते हैं तो सबसे पहली हमारी रीडिंग लेने का होता है मेन स्केल की रीडिंग, और उसके बाद फिर हम ये जो वर्नियर स्केल है इसकी रीडिंग आपस में जब मैच करती है तो हम उसकी काउंटिंग करके उसका साइज जो है वो फाइनल चेक करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला अगर पॉइंट हम देखें कि हमारा जो वर्नियर कैलिपर है बिल्कुल एक्यूरेट है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि हमें यहाँ ये जीरो के ऊपर मिल जाए और उसके बाद कोई उसके अंदर गैप ना रहे, तो इसका मतलब हमारा जो वर्नियर है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। अब हम एज ए एग्जांपल कोई भी पहला इसका स्टेप रहेगा मेन स्केल को जीरो मैचिंग करना। सबसे पहला स्टेप जब हम वर्नियर को यूज़ करना है तो सबसे पहले हमने यही चेक करना है कि ये मेन स्केल और वर्नियर स्केल की जो जीरो है आपस में एक दूसरे के साथ मिल रही है अथवा नहीं मिल रही। तो मेन स्केल की जीरो जो वर्नियर स्केल की डिवीजन की जीरो है आपस में अगर मैच कर रही है तो इसका मतलब हमारा जो वर्नियर स्केल है वो काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। दूसरा जो स्टेप रहेगा उसके बाद हमें
जो भी हमने साइज लेना है। एज ए एग्जांपल हम ये सिक्का है हमारे पास, इसकी हम रीडिंग लेना चाहते हैं, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका एक लॉक नट होता है, जिस प्रकार की ये वर्नियर है इसमें भी लॉक नट ऊपर दिखाई दे रहा है, ये लॉक नट है, ऐसे ही इसका इसका लॉक नट जो है हम लॉक कर देते हैं। ये दूसरा स्टेप है, लॉक नट इसलिए किया जाता है ताकि जो रीडिंग है हमारी वो डिस्टर्ब ना हो, बिल्कुल एक जगह फिक्स हो जाए। तो तीसरा जो स्टेप रहेगा मेन स्केल रीडिंग, तीसरा स्टेप रहेगा कि मेन स्केल की हम रीडिंग लेंगे कि कहाँ तक हमारा रीडिंग शो कर रही है। तो ये अभी हमने आपको बताया था कि जीरो से लेके ये जो पहला एक नंबर है यहाँ तक 10 mm की रीडिंग है, हर रीडिंग जो है डिवीज़न को 1 mm में डिवाइड किया गया। तो इसी प्रकार से अगर हम यहाँ दो को देखें तो ये 20 mm है। इसके बाद आगे हम काउंट करते हैं 21, 22, 23, 24 और 25। तो अब जो मेन स्केल की डिवीज़न है वो 25 शो कर रही है, और जो नीचे वाली जीरो है वर्नियर स्केल की वो उसके साथ बिल्कुल मैचिंग कर रही है, मैचिंग कर रही है, आप देख रहे हैं। तो चौथा स्टेप क्या है कि जो वर्नियर स्केल है इसकी इसके साथ कहाँ पर अटैचमेंट हो रही है, तो ये हम देख रहे हैं कि नीचे वाली जो जीरो है वर्नियर स्केल की वो मेन स्केल की जो 25 की डिवीज़न है उसके साथ बिल्कुल मैच खा रही है। तो इससे क्या होगा कि हम जब अब रीडिंग लेंगे तो 25, और अगर यहाँ आगे कोई रीडिंग होती तो हम उसको उस हिसाब से काउंटिंग करते, अन्यथा अब है 25। तो इसका जो साइज है, अभी हमने जो सिक्के का साइज चेक किया है तो एग्जैक्ट 25 mm इसका साइज हो गया। तो ये पहला एग्जांपल आपको मैंने दिया। इसी प्रकार से हम दूसरा सिक्का लेते हैं, अब हम दूसरा सिक्के की रीडिंग लेते हैं, जिससे कि हमें प्रैक्टिस होगी कि अलग अलग साइज किस प्रकार से हम ले सकते हैं। तो हमने इसको सबसे पहला स्टेप, जिस भी पीस को जिस भी जॉब को हमने चेक करना है उसको हम नीचे जो जार हैं उनके अंदर फिक्स करेंगे, और इसको हम हल्का साइज अंगूठे से इसको प्रेस करेंगे, और उसके बाद अभी मैंने बताया यहाँ जो लॉक नट होता है उसको टाइट कर देंगे, और लॉक नट टाइट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेन यहाँ से मेन जो स्केल है उसकी रीडिंग को चेक करेंगे। तो यहाँ से हम स्केल की रीडिंग को चेक कर रहे हैं, तो सबसे पहले जीरो, जीरो से ये 1 तक 10 mm, फिर 20 mm, और फिर आगे जो डिवीज़न आप देख रहे हैं 21 mm, और उसके बाद जो आगे है वो हम अब नीचे जो आपकी वर्नियर स्केल है उसके ऊपर डिवीज़न जो मैचिंग करेगी उसके अनुकूल हम चेक करेंगे कि कौन सी जो डिवीज़न है इसके साथ मेन स्केल के साथ जुड़ रही है। तो यहाँ आपको देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 वाली नहीं मिल रही है, इसके बाद 8, तो 8 वाली जो लाइन है वो बिल्कुल जो मेन स्केल है उसके साथ बिल्कुल मिल रही है। तो इस प्रकार से हम इसकी जो रीडिंग लेंगे वो हो गई आपकी, यहाँ अभी हम बात कर रहे थे कितना, 21 ये हुआ 21 और उसके बाद ये 8 की अगर लाइन है तो एक डिवीज़न जो है
0.02 की वैल्यू रखता है, एक डिवीज़न क्या रखता है 0.02 की वैल्यू। तो हम यहाँ पर उसको 8 के साथ इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 8 × 16, तो इस प्रकार से इसकी जो रीडिंग आ जाएगी 21.16। तो इस प्रकार से हम ये रीडिंग काउंट करते हैं। तो इसको हम कैलकुलेट करके भी हम दिखाते हैं अभी आपको। इसी प्रकार हम एक और तीसरा कोई पार्ट लेते हैं, तो ये एक नट है, तो इसकी रीडिंग लेंगे। तो वही तरीका कि यहां से हम पुश करेंगे और इसको इजली, ताकि ये चारों तरफ से पकड़ा जा सके। इसके बाद हम वही यहां से लॉक नट से, इसका लॉक नट खराब हो चुका है, इसलिए सिर्फ मैं एक्शन के द्वारा आपको बता रहा हूं कि लॉक लगाएंगे। तो यहां से इसका हम साइज पुनः एक बार फिर लेते हैं, तो ये यहां से प्रेस कर दिया और इसके बाद चाहो तो इसको हटा लेंगे। तो अब इसकी रीडिंग लेंगे, ये भी हाँ, तो इसकी रीडिंग हमारी चेंज हो गई। तो यहाँ हो गया 10, ये हो गया 20, उसके बाद 21, 22, 23, 24, 25 मेन स्केल की रीडिंग है और 0 उससे आगे बढ़ चुकी है। तो इसका मतलब अब क्या है, हम जो वर्नियर स्केल है नीचे, जो जिसको कि हम इंडिकेटर स्केल भी कहते हैं, तो उसको हम देखेंगे कि मेन स्केल के साथ कौन सी मिल रही है। तो आप यहाँ देखेंगे, आप 1, 2 नहीं मिल रही, 3 नहीं मिल रही, 4 नहीं मिल रही, 5 नहीं मिल रही, 6 भी नहीं मिल रही, 7 भी नहीं मिल रही, और 8 की लाइन जो है वो मिल रही है, मिल रही है ना। तो 8 की लाइन जो है मेन स्केल के साथ मिल रही है। तो ये रीडिंग आपकी कितनी रही, यहाँ हम 25 काउंट करेंगे, 25 पॉइंट। तो ये आपकी 8 रीडिंग है, तो 8 रीडिंग को हम पुनः एक डिवीज़न जो है 0.02 है, तो 0.02 को 8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.16 हो जाएगा। तो इस प्रकार से टोटल रीडिंग जो आ जाएगी हमारी आ जाएगी 25.16। तो इस प्रकार से हम अलग अलग जो है पार्ट्स की जो है रीडिंग लेते हैं। तो इसमें हम और इस प्रकार को देखना चाहें कि थोड़ा सा और इजी हो जाए, उसका तरीका मैं आपको समझाता हूँ। जिस प्रकार से अब हम एक रीडिंग लेते हैं कि जो बिल्कुल 0 से हम यहाँ लेते हैं, अब यहाँ जो रीडिंग आएगी, 3 स्टेपों में इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जांपल के रूप में इतना हमने कोई भी पार्ट या वाशर जिसकी की मोटाई इतनी आई है, ये देखो हम इसकी रेटिंग ले रहे हैं, हाँ। तो अब इसकी रेटिंग क्या शो कर रही है, 1 mm, 1 mm के बाद जो हमारी 0 है इसकी वर्नियर स्केल की, वो बिल्कुल 1 mm के साथ है। तो इसके लिए हमें बिल्कुल जो है पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 mm का मतलब आगे ही हमारा इसके साथ मैचिंग होगा। तो लगभग यहाँ हम देखेंगे 1, 2 और 3, तो ये जो 0.3 है ये बिल्कुल साथ मैचिंग कर रहा है। तो इसका कैसे होगा रीडिंग, 1.3 का मतलब ये आपका कितना हो गया,
दो दो चार दो छः दो आठ दो दस दो बारह दो सोलह दो अठारह दो बीस बीस और दो बाईस और दो कितना हो गया चौबीस और दो छब्बीस और दो अट्ठाईस और दो तीस। तो ये आपकी रीडिंग हो गई 1.30 mm। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम इसको ऐसी रीडिंग लेंगे कि जिसमें हमारी जीरो सेंटर में आ जाए, ये दूसरा स्टेप, ताकि जो जीरो से सेंटर में हमारी रीडिंग आ जाएगी और एक जीरो से बिल्कुल लास्ट पॉइंट में जो रीडिंग आएगी, तो उससे हम तुरंत, हमें बहुत ज़्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं। अब सेंटर में है तो हम लगभग यहाँ सेंटर के अंदर हम चेक करेंगे कि कौन सी रीडिंग मिल रही है। तो हम यहाँ पर रख लेते हैं और सेंटर में इसको रखते हैं। तो सेंटर में हमें सीधा, थोड़ा ऊपर उठा, सीधा जो है सेंटर में देख रहे हैं तो हमारे ये जो 5 की लाइन है नीचे की, वो इसके साथ मिल रही है। तो अब रीडिंग रहेगी, ये हम पेन से आपको बताते हैं, 1 2 2 mm, और उसके बाद आप बात करते हैं, ये हो गया 10 20 30 40 और 50। ठीक है, तो ये हो गया 10 20 और ये हो गया 30 40 और 50। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2.50। तो ये आपकी आ गई दूसरी रीडिंग। अब तीसरा और रीडिंग लेंगे कि जिसके अंदर हम इसको बिल्कुल लास्ट में ले जाएंगे, अर्थात 3 से बिल्कुल नज़दीक लास्ट में। तो उसके उसका क्या है कि आप तुरंत उसको लास्ट में देखेंगे, क्योंकि ये पूरा 3 भी नहीं है, बिल्कुल 3 से थोड़ा सा कम है। तो हम इसका मतलब यहाँ पर लास्ट में आकर के जो भी मेन लाइन, मेन स्केल और वर्नियर स्केल की मैचिंग है, उसकी तरफ एकदम ध्यान देंगे, ताकि आपको तुरंत इसकी रीडिंग लेने का पता लग जाए। तो अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 7 ये नहीं मिल रही है, इसके बाद हाँ लगभग 7 ही मिल रही है। इसमें हम अगर ध्यान से देखें तो ये 7 जो रीडिंग है वो इसके साथ मिल रही है। तो हमने जैसे अभी बताया कि एक डिवीज़न 0.02 है, तो यहाँ हो गया 10 और यहाँ हो गया 20 और यहाँ हो गया 30 और ये हो गया कितना 40 और ये 50 और ये 60 और ये 70। तो इस प्रकार से ये रेटिंग होगी 2.70। तो इस प्रकार से हम अलग अलग जो है साइज ले सकते हैं। और इसका और बेनिफिट क्या है कि इसके द्वारा हम इंटरनल मार्किंग, इंटरनल हम साइज चेक करेंगे कि जिस प्रकार से ये एक हमारा पाइप है, इसका हम इंटरनल बोर चेक करते हैं। उसके लिए अभी हमने जो चेक किया है, ये नीचे के जा थे और ये जा है ऊपर के। तो ऊपर के जा जो हैं इंटरनल रीडिंग लेने के लिए, और जो नीचे के जा हैं वो आउटर रीडिंग लेने के लिए। तो अब हमने अभी जो आउटर की रीडिंग ली है, और हम एक एग्जांपल में इनर बोर चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो आप देखेंगे इसमें भी ये जा जो है इसमें आप फिक्स करेंगे, और यहाँ जो अंगूठा है इसका आप थोड़ा सा उसमें प्रेशर लगाएंगे, जिससे कि दोनों सतह को
ये जा टच कर जाए, और उसके बाद वही लॉक लगा देंगे। और उसके बाद रीडिंग लेने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम मेन स्केल को चेक करेंगे कि मेन स्केल में कहाँ रीडिंग जा चुकी है। तो जीरो से लेके ये 10, 20, 30 और 30 के बाद 31, 32, 33 और 34। 34 अभी पूरी नहीं हुई, इसका मतलब हमें अभी 33 तक ही इसको मेन स्केल को लेंगे। और 33 से ऊपर आगे जो है ये 34 के बिल्कुल नियरेस्ट है, इसलिए हम सीधा लास्ट में जाएंगे। लास्ट में देखो आप कौन सी मिल रही है, 8 नहीं मिल रही है और 9 मिल रही है, तो 9 मिल रही है, तो इसको हम 9 को, हाँ 9 बिल्कुल एग्जैक्ट मिल रही है, ठीक है इसमें ऐसे ही आएगा जी। 9 जो है वो एग्जैक्ट मिल रही है, हिल गई है? नहीं नहीं ठीक है जी, नहीं 9 तो हिल गई, हिल गई ये, हाँ अब मिल गई, तो ये 9 मिल रही है। तो अब रीडिंग लेंगे 33.90, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इनर साइज लेते हैं, तो इसका स्टेप जो है ये इस प्रकार से यहाँ नोट कर लो ये वाला। तो इसके जो अभी 4 स्टेप की बात कर रहा था, तो ये पहला स्टेप जिसके अंदर मेन स्केल की 0 जो है वर्नियर स्केल की 0 के साथ मैचिंग करेंगे, जिससे हमें ये पता लग जाए कि हमारा जो वर्नियर है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। दूसरे स्टेप में हम उसको रीडिंग लेने के बाद लॉक कर देंगे ऊपर से, ताकि वो डिस्टर्ब ना हो और हमारी जो रीडिंग है वो ठीक रहे। और तीसरे स्टेप में मेन स्केल की रीडिंग को जो है हम नोट करेंगे। और चौथे स्टेप में हम क्या करेंगे, मेन स्केल की रीडिंग को वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है उसके साथ मैच करेंगे। और उसके बाद अभी आपने जैसे मैंने उदाहरण दिया उसी प्रकार से हम जो वर्नियर स्केल है छोटी, जिसको स्केल बोलते हैं, उसकी जो उसकी डिवीज़न की वैल्यू जो है 0.02 mm है। तो जैसे एग्जांपल के रूप में हमें 24 mm की पहली रीडिंग अगर मान लो ली है, 24 के ऊपर जो मिल रही थी तो उसको हमने 0.02 को 24 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो उसके बाद वो आ गई 0.48। और इसी प्रकार से अगर हमने मेन स्केल की रीडिंग अगर 43 चेक की, तो उसके अंदर इसको हमने प्लस कर दिया, तो इस प्रकार से 43 के अंदर जो है ये प्लस हो जाएगा। मेन स्केल के साथ मेन स्केल की रीडिंग है 43 और वर्नियर स्केल की रीडिंग रही 48, तो टोटल जो हमारी कुल इसकी रीडिंग आ गई 43.48। तो इस रीडिंग को मैं एग्जैक्ट वर्नियर के ऊपर शो करके दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से ये रीडिंग बनेगी। तो अभी आप ध्यान से देंगे 43, अभी आप देख रहे हैं ये आ गया 40, ये आ गया 40 और 43, ये 41, 42 और 43। और आगे अभी हम बात कर रहे थे 43.48, तो यहाँ 20, 22, 24, ठीक है ये हो गया 20, अभी 43 ये हो गया 41, 42, 43। अब इसके बाद आप ये देख रहे हैं 20, 22 और 20
4, यहाँ ये मिल गई है, तो ये रीडिंग आ गई 34.24। अब इसको हमने 0.02 से जो है मल्टीप्लाई किया तो ये आ गई 0.48। तो इस प्रकार से 33.48, तो ये एग्जैक्ट जो रीडिंग हमने कैलकुलेट की, ये कोई भी अगर हमारा इतना ये बैरिंग देगा ना, तो इस प्रकार से बैरिंग का साइज है ये कोई और ऐसा हम ले सकते हैं। ठीक है भाई, ये बोला। हाँ, अब हम एग्जांपल एक और रीडिंग लेते हैं, इस नट इस बोल्ट का हेड का रीडिंग लेंगे। तो इसमें उसी प्रकार से सबसे पहला स्टेप क्या था, हमने इसको जीरो पे चेक कर लिया कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल की रीडिंग 0-0 है। इसके बाद हम जिस भी पार्ट को चेक करना है उसको हमने, अगर आउटर चेक करना है तो नीचे वाले जो जा हैं उनका प्रयोग करेंगे। उसके बाद इसको हम लॉक कर देंगे और लॉक के बाद रीडिंग लेना शुरू करेंगे, तो मेन स्केल को देखते हैं उसके ऊपर, ये एक एक डिवीज़न एक एक एमएम की है, तो ये 10 एमएम, ये 11 एमएम, 12 एमएम और 13 एमएम, तो 13 एमएम से भी हल्की सी जो है आगे गई है। तो 13 एमएम से आगे चेक करेंगे कौन सी जो दूसरी रीडिंग है कि वर्नियर स्केल की मेन स्केल के साथ कौन सी रीडिंग मिल रही है, और 0 से जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है वो है 0.02 वैल्यू रखती है, तो उसको हम देखेंगे कहाँ मिल रही है। तो पहली नहीं मिल रही, दूसरी मिल रही है, दूसरी मिल रही है, तीसरी भी मिल रही है, तीसरी भी मिल रही है, चौथी भी मिल रही है, तो हम इन दोनों के बीच की जो है उस लाइन की रीडिंग को काउंट करेंगे। तो इस प्रकार से क्या करेंगे हम, ये होगी पहली रीडिंग 0.02, ये 4 हो गया और ये हो गया 6, तो ये रीडिंग हमारी आ गई 13.6। अभी आपने देखा ये जो तीसरी लाइन मिल रही है इसलिए इसका जो रीडिंग है वो फाइनल यही रहेगी, और इसका जो लिस्ट काउंट है वो भी 0.02 है, वर्नियर स्केल का जो लिस्ट काउंट है 0.02 रहेगा। तो इस प्रकार इससे जो है हम कम से कम जो है इतनी कम साइज के अंदर जो है वो रीडिंग ले सकते हैं। तो ये वर्नियर स्केल का बारे में आपको जानकारी दी, तो आप इसको अच्छे से समझेंगे।